तो आज आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं महिंद्रा XUV 300 बेस वेरिएंट का। और अब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं पहले से, जैसे कि सनरूफ इसमें जो है आपको दी जा रही है, पहले नहीं दी जाती थी। और उसी हिसाब से जो प्राइस हैं वो भी इसके जो है इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो ऑन रोड प्राइस वगैरह जो है कितनी आपको पड़ रही है और आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह जो है इसमें मिल रहे हैं, अब वो सब चीज़ों की जो है बात करेंगे। ये जो है डीजल इंजन में आप जो है अभी देख रहे हैं, डीजल वेरियंट है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में दिया गया है। इसमें आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है 4 सिलेंडर। इसके अलावा आपको जो है 115 bhp की पावर इसमें मिलती है और न्यूटन मीटर टॉर्क आपको जो है 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है इसमें देखने को मिलता है, जो कि हाईएस्ट इन द सेगमेंट है। इवन क्रेटा से भी ज़्यादा है, क्रेटा में आपको जो है 250 nm का टॉर्क देखने को मिलता है डीजल में। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पेट्रोल वेरिएंट की बात करेंगे, अगर पेट्रोल में ये गाड़ी होती तो उसमें आपको जो है 200 nm का टॉर्क देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर डीजल है तो इसमें आपको 300 nm का टॉर्क जो है देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है वाइडेस्ट इन द सेगमेंट है, मतलब 100 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में ये जो है सबसे ज़्यादा विड्थ जो है इसी गाड़ी की है, 1821 mm की जो है यहाँ पर आपको टोटल विड्थ देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो 3995 mm की जो है यहाँ पर आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। वहीं हाइट की बात करें तो 1627 mm की जो है आपको यहाँ पर हाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा व्हील बेस हम आपको दिखा देते हैं, व्हील बेस की बात करें तो 2600 mm का जो है यहाँ पर आपको व्हील बेस देखने को मिलता है। और इसके अलावा ग्राउंड क्लीयरेंस जो है वो आपको 180 mm का, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एक सफिशियंट जो है आपको व्हील बेस इसमें दिया जा रहा है कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से। उसके अलावा 5-star रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है, ये तो आपको पता ही है, महिंद्रा और टाटा की गाड़ियाँ जो हैं वो सेफ्टी के लिए जो है जानी जाती हैं, उसमें तो आपको जो है डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके का। अब जो इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं, आपको जो है किस तरीके का फ्रंट लुक देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा टर्न सिग्नल्स आपको जो है बल्ब में दिए जाते हैं, DRL जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको जो है टोइंगो आ जाता है, इसकी प्लेट्स आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में दी गई हैं। उसके अलावा फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ट्विन पिक्स का लोगो, और उसके अलावा जो है वही पैटर्न ग्रिल आपको जो है ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर जो है यहाँ पर सिल्वर फिनिश भी आपको देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि बेस वेरिएंट की पहचान है। वैसे तो ये W6 खड़ी हुई है, इसमें भी आपको जो है फेंडर पर ही इंडिकेटर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप एक चीज़ देखेंगे, टायर जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही चारों टायर्स में जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलती हैं। स्टील व्हील जरूर दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स ऑल फोर व्हील्स में देखने को मिल जाती हैं। बीच में आपको ट्विन पिक्स का लोगो देखने को मिल जाता है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको वेंडर के टायर मिल रहे हैं और MRF वेंडर। और इसके अलावा टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये रही टायर प्रोफाइल, 205/65 R16 16 inches के आपको जो है टायर्स में देखने को मिलते हैं। टॉप मॉडल में जो है W8S का टॉप मॉडल है, उसमें आपको 17 inches के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मड फ्लैश वगैरह जो है आपको नहीं मिलते हैं, वो सब आपको जो है आफ्टर मार्केट या फिर जो एक्सचेंज में परचेस करने पड़ेंगे। ये आ गई आपकी फ्यूल लिड। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 42 liters की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसमें जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले से। ये देखिए यहाँ पर इसका लीवर दिया गया है, ओपन करेंगे यहाँ से। 42 liters का आपको फ्यूल टैंक दिया गया है, लेकिन उसके साथ आप देख सकते हैं डीजल, पहले क्या है इसमें केवल डीजल पड़ता था, लेकिन उसमें एड ब्लू का ऑप्शन दिया गया है, हर 10,000 किलोमीटर पे आपको यूरिया भी जो है इसमें फिल कराना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है डीजल कंपनी पहले बड़ी बड़ी SUVs में होता था, लेकिन अब कॉम्पैक्ट SUVs जो है उसमें भी ये चीज़ करी जा रही है, जैसे कि क्रेटा है उसमें भी आपको यूरिया जो है ऐड कराना पड़ता है। अब रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, रियर में आपको देखिए क्या क्या मिलता है। प्लेन यहाँ पर जो मिरर मिलता है, कोई डिफॉगर नहीं, कोई वाइपर नहीं। इसके अलावा यहाँ पर हाई मोड स्टॉप लैंप आ गई। रूफ है जरूर आपको बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, और इसमें जो है आपको सनरूफ भी अब जो है देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एंटीना आपको जो है इसमें नहीं दिया गया है, वो आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। पीछे की तरफ यहाँ पर ट्विन पिक्स का लोगो, यहाँ पर जो है आपकी ये टेल लैंप्स आ गई, टर्न सिग्नल्स आ गए इसमें आपके, ये टर्न सिग्नल्स आ गए, ये जो है रिवर्स लाइट आ गई। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, टोइंग हुक मिल जाता है, और दो पार्किंग सेंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ा सा बम्पर जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, इसकी प्लेट्स आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर रियर में जो है जगह छोड़ी गई है कैमरा के लिए, बट यहाँ पर जो कैमरा को नहीं मिलता है, जो कि आपको बहुत अच्छी बात है, स्कॉर्पियो S11 में भी नहीं मिलता है, वो यहाँ पर भी जो है आपको देखने को कैमरा नहीं मिलता, वो आपको आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अब गाड़ी के इंटीरियर आपको दिखा देते हैं, डोर वाइज वगैरह जो है आप आफ्टर मार्केट या फिर जो एक्सेसरीज में ऐड करवा सकते हैं। ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँगा तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ राजेंद्र महिंद्रा मैनपुरी में, और यहाँ पर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 12.5 lakh rupees ऑन रोड आपको जो है ये गाड़ी देखने को मिलती है। अब देखिए डोर पैनल की बात करते हैं, डोर टोन में आपको जो है दिया गया है, यहाँ पर ट्विटर आ गई, ये स्पीकर आ गई, आपके डोर हैंडल आपके आ गए ब्लैक कलर में, और यहाँ पर जो है आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो आपको वन टच अप एंड डाउन मिल जाती है। ORVM जो है आप अंदर से ही जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पर आपका ग्रैब हैंडल आ गया, यहाँ पर जो है हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है,
ट्विन वाटर होल्डर मिल जाते हैं, फाइल होल्डर के लिए कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। चाबी की बात करें तो आपको जो है कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है यहाँ पर। बटन वगैरह जो है चाबी में नहीं मिलते हैं, लेकिन ट्विन पीक्स का लोगो आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से जो ओपन क्लोज आप कर सकते हैं। दो चाबियाँ आपको जो है गाड़ी के साथ मिल जाती है। और ड्राइवर सीट की बात करेंगे तो इसमें जो है हाइट एडजस्ट करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, इसके अलावा आपको जो है केवल बैकरेस्ट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है मैनुअल में। और यहाँ पर आपका जो है फ्यूल ओपन करने का लीवर आ गया। आप जो है गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लेते हैं, या आपको अंदर जो है गाड़ी में क्या क्या देखने को मिलता है। पहले जो है इसकी सीट हाइट एडजस्ट कर लेते हैं यार। ओके, तो देखिए ये राउंड स्टीयरिंग व्हील आपको जो मिलता है इसमें, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, लेकिन आपको जो है स्पीकर वो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें नहीं दिया जाता, वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। हैजार्ड का बटन आ गया। और यहाँ पर जो है डुअल क्लाइमेट कंट्रोल शायद इस वाले वेरिएंट में मिलता है आपको, आप जो है दोनों लोगों के लिए अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं ड्राइवर को ड्राइवर के लिए। इसका जो है मैं आपको एक बार इग्निशन ऑन करके जो है दिखाता हूँ किस तरीके का आपको जो है मीटर देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप एनालॉग मीटर मिलता है, बीच में आपको टैकोमीटर जो है ये एनालॉग मिलता है, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर, इसके अलावा बीच में MID जो है आपको वो मिल जाती है उसमें डिजिटल में सॉरी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, पूरा सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर जो है मैक्स AC करने का ऑप्शन भी आपके पास है। यहाँ पर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, देख सकते हैं आप। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। हैंड ब्रेक आ गई है आपकी, हैंड ब्रेक खिंची हुई नहीं है, बड़ी अजीब बात है यार, ये तो खिंची हुई नहीं चाहिए थी। इसके बाद यहाँ पर 2 कप होल्डर का स्पेस, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। रियर में AC वेंट्स आपको जो है नहीं मिलते हैं, यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यार बहुत बढ़िया, तो कुएं की तरह यार बहुत गहरा ही, तो इसमें तो यार छोटा मोटा कोई भी चला जाएगा इसके अंदर, तो यार काफ़ी ज़्यादा ग्लव बॉक्स बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्पीकर वगैरह और ये सब ट्विटर वगैरह आपको पहले से ही लगा के दिए जा रहे हैं, बट इंफोटेनमेंट सिस्टम ये है वो आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, AC वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ड्राइवर साइड में प्लेन सनवाइजर मिलता है, स्पीकर मिल जाता है, सनरूफ मिल जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, बेस मॉडल में ही लोग अपने शौक पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सनग्लास होल्डर जो है आपको मिल जाता है, और को ड्राइवर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाता है, और उसमें जो है लैम्प भी हैलोजन में दी गई है। इसके अलावा ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको सॉफ्ट फोल्ड वाले मिल जाते हैं। सीट बेल्ट की आप जो है हाइट एडजस्ट कर सकते हैं बेस वेरिएंट से ही, ये बहुत बढ़िया फीचर है। उसके अलावा आप जो है हमने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको देखिए यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट साइड में आपको यहाँ पर जो है हेडलैम्प के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको बाकी कोई इसमें जो है आपको ना लेफ्ट ना राइट स्टीयरिंग में आपको जो है किसी भी तरीके के कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं, वो सब आप जो है स्विचेस बाद में लगवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट लगवाएं, चाहे आप शोरूम से भी लगवा सकते हैं चाहें तो। अब रियर सीट पे चलते हैं। उस साइड से दिखाता हूँ, यहाँ पे स्पेस जो थोड़ा सा कम है। ये देखिए आपका रियर डोर आ गया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाता है, स्विच मिल जाता है, और ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एक वाटर होल्डर मिल जाता है, और फाइल होल्डर के लिए कुछ स्पेस मिल जाता है। स्पेस के मामले में बताया जाता है ये गाड़ी जो है अपनी सारी कॉम्पिटिटर्स को मात देती है। अब देखिए 6 फीट हाइट के हिसाब से और मैंने पीछे सीट को कर दिया था, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं नी स्पेस कितना ज़्यादा बचा हुआ है। तो स्पेस के मामले में तो यार देखिए आप जानते ही हैं, यहाँ पर आपको देखिए रीडिंग लैंप मिल जाती है बीच में हेलोजन में, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, कोट हैंगर मिल जाता है, इस साइड भी आपको जो है ग्रैब हैंडल फोल्ड वाले मिलते हैं। तो कॉस्ट कटिंग तो यार नहीं कह सकते, ये भी सब चीज़ें प्रीमियम ही है यार, फोल्डेबल मिलते हैं, जैसे यार क्रेटा का बेस वेरिएंट मैंने लिया था उसमें तो नहीं मिला था ऐसा कुछ, सब फिक्स थे सारे। और इसके अलावा चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, और आपको स्पीकर्स वगैरह मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें क्रेटा मुझे नहीं मिली थी बेस वेरिएंट में। तो वो सब मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ, कॉस्ट कटिंग कहीं का अगर कंपनी करती भी है तो कहीं ना कहीं जो है आपको, जैसे कि अभी ये आपको कई लोग जो हैं अपना बेस वेरिएंट में खुश हैं, उनको सनरूफ ही चाहिए यार, तो ये ले सकते हो अपना 12.5 लाख रुपये आपको पड़ रहा है ऑन रोड, क्या दिक्कत है उसमें। ओ सॉरी, इधर तो स्पेस ही नहीं है, इधर से उतरना पड़ेगा। अब इसका जो है बूट स्पेस आपको दिखा देते हैं, बूट स्पेस दिखाना भूल गए थे। देखिए 257 लीटर का जो है बूट स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है, बाकी टूल गेट वगैरह भी मिल जाती है। तो स्पेस थोड़ा सा जो है पार्सल ट्रे वगैरह नहीं दी गई है, पार्सल ट्रे आप लगवा सकते हैं। और रियर सीट पर आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, फिक्स हेडरेस्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी बेस वेरिएंट के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग जो यहाँ पर नहीं करी गई है, ये सब चीज़ें जो है कवर ही हैं, कोई ऐसा खुला नहीं छोड़ा गया है, सब ठीक है। स्पेयर व्हील भी आपका जो है अच्छी तरीके से प्रॉपर जो है एक डिसेंट तरीके से रखा गया है, वो सब चीज़ें जो है बढ़िया है। आपको SUV 3W का पैकेज जो है देखने को मिल जाती है।
तो ये था भाई हमारा XUV 300 बेस वेरिएंट रिव्यू। होपली आपको जो है ये रिव्यू पसंद आया होगा। आगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप जो है किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।